नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल 36। आज हम बात करने जा रहे हैं कि संभोग करने से पहले मुंह में बस एक टुकड़ा, इसे संभोग करने से आधा घंटा पहले बस इसको मुंह में एक टुकड़ा खा लें, और इसके बाद आपको ना पानी पीना है। यदि आप संभोग करने जा रहे हैं तो इसको अपने मुंह में आधा घंटा पहले इसको मुंह में रख के इसको चॉकलेट की तरह इसको धीरे धीरे चूस लें। इसके उपरांत आपको पानी नहीं पीना है। इसके साथ एक और चीज है जो आपको देर तक अगर संभोग करना है तो इसे आप जरूर आजमा के देखें। कौन चीज है और ये कैसे काम करती है, तो आज मैं पूरी जानकारी इसके बारे में देता हूँ। तो सबसे पहले, मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पास में जो छोटी सी घंटी है उसको ऑल पे प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि आए दिन संभोग को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे बहुत सारे लोग इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं कि संभोग में देर तक कैसे टिके रहे, तो आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। संभोग एक बहुत ही अच्छा चीज है, इससे शारीरिक जो हरासमेंट हो वो दूर होती है, मन बिल्कुल गदगद हो जाता है, और संभोग करना बिल्कुल जरूरी है। ये जैसे शरीर को जैसे भोजन की जरूरत होती है, उसी संभोग करना भी जरूरी है। तो संभोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? संभोग करने से पहले हमें बस मुंह में एक टुकड़ा इसे लेकर चूस लेना है, कम से कम आधा घंटा पहले। उसके उपरांत आपको पानी तक नहीं पीना है। इसके साथ एक और चीज होगा, और नेट पे बहुत सारे सर्च करते हैं, ये तो आप जानते हैं कि दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी अगर बाय चांस कभी अगर कर लिए तो कर लिए, लेकिन उसके आदि नहीं बनना चाहिए। दवाइयों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बुरा असर होगा, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ, कोई ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसे भी आपके जाएंगे, और जितना अचरा कचरा होता है सब उसी से बनाया जाता है, और ये जो है ये नेचुरल है, आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। कहीं भी बनिए की दुकान में, जहाँ पे आपके ग्रोसरी की सामान मिलती है जैसे दाल चावल, वहाँ आपको ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं धागे वाली मिश्री को एक टुकड़ा मुंह में ले लें, और इसके साथ एक इलायची जिसमें जो मरा हुआ नहीं होना चाहिए, इलायची वही जो जिंदा इलायची हो जिसमें दाने हो, तो दोनों को मिलाकर आपको आधा घंटा पहले इसको चूस लेना है, चॉकलेट की तरह चूस लेना है। बचे हुए इलायची को अगर आप खा सकते हैं तो खा जाइए, छिलका सहित अगर खा सकते हैं तो खा जाइए, अगर नहीं खाना चाहते तो नहीं खाना चाहते। हाँ, ये उस समय उतना काम नहीं करेगा जब आप मान लें किसी बीमारी से ग्रसित है और आपकी शारीरिक शक्ति कमजोर हो गई है, तो वो उस समय उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। तो इसको काम करवाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लें कोई आपको बीमारी घेर ली है और बीमारी में बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए, उसके बाद आपकी इच्छा कर रही है संभोग करने के लिए, तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं होगा, वो तुरंत बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम तीन दिन इसको लगातार ले, एक टाइम पे ले, जो भी आपका टाइम हो वो एक टाइम पे ले, चाहे सुबह में ले, शाम में ले या रात में ले, एक टाइम पे ही आपको कम से कम 7 दिन इसको लेना है। 7 दिन के बाद जब आपको 8वें दिन
आपको संभोग करना है तो आधा घंटा पहले इसको मुंह में रख के अच्छी तरह से बिल्कुल चूस ले, उसके बाद आप संभोग करें। देखिए आपका टाइम खुद पे खुद बढ़ेगा, ये नेचुरल चीज है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आदि काल से ये चला आ रहा है धागे वाली मिश्री। और मैंने एक और चीज बताया, इलायची, ये बहुत पावरफुल चीज है, आप इसको जरूर आजमा के देखिएगा। इंटरनेट पे सर्च करना भूल जाएगा, इससे आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी, ये शरीर को फायदा ही करेगा। और साथ में जो आपके खान पान में भूख को भी बढ़ाएगा और वीर को भी गाढ़ा करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल।